हेलो एवरीवन, मेरे चैनल इजी रेसिपी विद भारती में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज बनाएंगे व्रत में खाया जाने वाला आलू का हलवा, जो बहुत ही अलग तरीके से बताएंगे। और ये रेसिपी बहुत ही आसान है और झटपट 4 से 5 मिनट में बनके रेडी भी हो जाती है। इसको बनाना इतना आसान है कि हर कोई बना लेगा आसानी से। और माता रानी की अष्टमी का व्रत भी सभी लोग रहते हैं, तो जिसको ये हलवा पसंद हो वो ज़रूर ट्राई करें। इस तरह से बहुत ही आसान रेसिपी है, तो चलिए इसको हम बनाते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर गैस ऑन कर ली है और एक पैन ले लिया है। पैन में हमने 2 से 3 चम्मच देसी घी डाला है। कम ज़्यादा अपने हिसाब से घी डाल सकते हैं, वैसे आलू का हलवा बना रहे हैं तो घी तो थोड़ा लगेगा ही। अब यहाँ पर हमने 8 से 10 बादाम ले लिए हैं, इनको 2 टुकड़ों में कट कर लिया है। और 10 से 15 किशमिश डालेंगे और कुछ सूखे हुए नारियल के जो टुकड़े होते हैं स्लाइस कर लिए हमने, वही हमने यहाँ पर ले लिए हैं। और तीनों चीज़ों को अच्छे से हम भून लेंगे घी में। इनको भूनना बहुत ज़रूरी होता है, अगर ऊपर से डालेंगे तो बिल्कुल भी टेस्ट अच्छा नहीं आता है आलू के हलवे में। और इस तरह से हम इनको फ्राई करके हलवा बनाएंगे तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा और खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। अपने मनपसंद कोई भी ड्राई फ्रूट इसमें डाल सकते हैं, जो भी खाना हो। व्रत में ज़्यादातर ड्राई फ्रूट खाए जाते हैं, तो जो भी अच्छा लगे वो इसमें डाल सकते हैं। अब यहाँ पर हम 2 से 3 उबले हुए आलू ले लिए हैं, इनको हमने मैश नहीं किया है, सिर्फ उबाल के हमने छील लिया था और टुकड़ों में कर लिया था। अब इनको भी हम इसी में मिला लेंगे। आलू कम ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं, जितना भी बनाना हो। हमने मीडियम साइज़ के 3 आलू लिए थे यहाँ पर और उबाल के इनको छील लिया था, मैश बिल्कुल भी नहीं किया था। हमने सोचा पहले मिक्स करेंगे, बाद में मैशर से मैश कर देंगे। तो सारे ड्राई फ्रूट में आलू को हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है। घी, ड्राई फ्रूट और आलू अच्छे से मिक्स हो रहे हैं, इनका बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। अब हमने एक मैशर ले लिया है, इससे आलू को अच्छे से मैश कर लेंगे। इससे ड्राई फ्रूट बिल्कुल भी दबेगा नहीं, फूटेगा नहीं, बस आलू मैश होगा, क्योंकि हम हल्के हाथों से इसको मैश कर रहे हैं। फ्रेंड्स, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो साइड में बेल लगी है उसको दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप पहले से सब्सक्राइब कर चुके हैं तो दोबारा बिल्कुल भी ना करें। तो ये देखिए, मैशर से हमने आलू को अच्छे से मैश कर लिया है और काफ़ी अच्छा स्मूथ आलू हो गया है और ड्राई फ्रूट भी बिल्कुल टूटे फूटे नहीं, बिल्कुल अच्छे हैं। तो अब हम इसमें डालेंगे चीनी। तो 4 चम्मच हमने चीनी यहाँ पर ली है, आप कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने हिसाब से। अगर कम पसंद है मीठा तो 3 चम्मच चीनी डालें और अगर ज़्यादा पसंद है तो 1 चम्मच और बढ़ा सकते हैं। और चीनी डाल के हम इसको अच्छे से मिला देंगे। अब इसमें हम डालेंगे क्रश्ड इलायची, कम ज़्यादा कर सकते हैं। हमने 1/2 टीस्पून लिया है इलायची को, इलायची को हमने छील लिया था और क्रश्ड कर लिया था, तो इलायची को भी इसमें हम मिक्स कर देंगे। 3 से 4 मिनट तक आलू अच्छे से भुन गई है घी के साथ और ड्राई फ्रूट के साथ, तो इसका कलर भी काफ़ी अच्छा चेंज हो गया है और काफ़ी अच्छी सौंधी सौंधी खुशबू भी आ रही मेरे किचन में। तो अगर आलू को जितना भी भूंजेंगे उतना अच्छा टेस्ट भी आता है। तो ये हलवा बनके रेडी हो गया है, इसको हम इसी तरह मिलाते हुए कुछ सेकंड और पकाएंगे। और पूरा पैन देखिए, बिल्कुल भी पैन में ये चिपका नहीं है, बहुत आसानी से हलवा बन जाता है। अब इसकी करते हैं प्लेटिंग। तो यहाँ पर हमने सिलिकॉन के मोल्ड ले लिए हैं। ज़रूरी नहीं है कि सिलिकॉन के मोल्ड होना चाहिए, किसी भी चीज़ में आप प्लेटिंग कर सकते हैं। मेरे पास ये मोल्ड पड़े थे तो मैंने सोचा इसी में हम आज सेट कर देंगे हलवे को। इनको चम्मच से हम अच्छे से दबा लेंगे और 5 से 10 मिनट तक इनको हम छोड़ देंगे। जब ये सेट हो जाएगा तो हम डीमोल्ड करके भी इसको दिखाएंगे। ये हलवे की रेसिपी बहुत ही अच्छी लगती है, फ्रिज में रख दें 5 मिनट के लिए, अगर फ्रिज में ना रखें तो बाहर भी 10-15 मिनट में सेट हो जाता है। तो अब इसको हम डीमोल्ड करेंगे, ये हलवा बनके रेडी हो गया है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। और इस रेसिपी के बारे में कुछ भी पूछना है तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं।
और ऊपर से हम इसमें गार्निशिंग करेंगे कोकोनट बूरा से और एप्रिकॉट से। अपने मनपसंद किसी भी चीज़ से इसमें गार्निश कर सकते हैं। क्योंकि इसमें बहुत सारे ड्राई फ्रूट पड़े हैं ऊपर से, तो कुछ ऊपर गार्निशिंग की ज़रूरत भी नहीं थी, लेकिन मैंने थोड़ा सा गार्निश कर दिया है। तो फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।